किसान आंदोलन का चौथा दिन, सब्जियों और दूध के दामों में हुई बढ़ोतरी। नई दिल्ली, सरकार द्वारा किसानों की मांगें पूरी ना करने पर देश भर के किसान आंदोलन कर रहे हैं। 10 दिन तक चलने वाली इस हड़ताल का आज सोमवार चौथा दिन है। किसान आंदोलन के चलते गांव से सब्जियों व दूध आदि की आपूर्ति प्रभावित हो रही है, जिसके चलते सब्जियों के दाम में इजाफा हो रहा है। फिलहाल पिछले 3 दिनों से किसान शांतिपूर्व आंदोलन कर रहे हैं। कई राज्यों में किसानों ने सब्जियों सहित दूध सड़कों पर गिरा दिया। किसान सब्जियों के न्यूनतम मूल्य, समर्थन मूल्य और न्यूनतम आय समेत कई मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। किसानों ने 1 सेकंड 10 जून तक के दिनों को अलग अलग ढंग से विरोध करेंगे। आज भी कई जगहों पर प्रदर्शन के आसार हैं। ये हैं किसानों की मांगें। फसल की लागत का 1.5 गुना लाभकारी मूल्य दिया जाए। किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए। छोटे किसानों की एक आय निश्चित की जाए। फल, दूध, सब्जी को समर्थन मूल्य के दायरे में लाकर 1.5 गुना लाभकारी मूल्य दिए जाए। हरियाणा में भी किसानों ने सब्जियों की सप्लाई बंद कर दी है और यहां भी विरोध देखने को मिला। किसानों द्वारा मांगों को लेकर किए जा रहे आंदोलन का कुरुक्षेत्र में मिलाजुला असर देखने को मिला। भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि देश के करीब 172 किसान संगठन इस आंदोलन में शरीक है। किसान आंदोलन के तहत अपने उत्पादन अनाज, सब्जी, दूध, चारा शहर में बेचने के लिए नहीं जाएगा। महाराष्ट्र में भी किसानों की हड़ताल का असर देखने को मिला।